पॉलिथिन पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन मुनाफे के चलते गुना में आज भी धड़ल्ले से पॉलिथिन बिक्री हो रही है। हनुमान गली सदर बाजार में एक दुकान पर प्रशासन की छापेमारी कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 किलो पॉलिथिन जब्त की गई। दुकानदार पर 6000 का चालान भी बनाया गया। फूलचंद गुंटी लाल बुआ लगे चलो क्या है कि ये अपना जो है लवली स्टूडियो वाली गली, उस लवली स्टूडियो वाली गली में कैलाश जैन पुत्र श्री शांतिलाल जैन, ये है जैन रस्सी वाले, ये लोग क्या पॉलीथिन बेच रहे थे जिसकी जानकारी हमें थी, पर हम ये चाहते थे कि वहाँ पर कोई पॉलीथिन खरीदने पहुँचे उन्हें रंगे हाथों पकड़े, तो आज हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और रंगे हाथों पकड़ने के बाद में वहाँ से 12 किलो पॉलीथिन जब्त की गई और 6000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। और ये चालानी कार्रवाई सतत चलती रहेगी, किसी भी तरह का कोई भी पॉलीथिन कैरी बैग शासन द्वारा बंद कर दिया गया है। अगर कैरी बैग कोई भी पॉलीथिन वाला इस्तेमाल करना, भंडारण करना, उपयोग करना, किसी भी तरह में अगर संलिप्त कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मंडियों में भी कार्रवाई, मंडी में कार्रवाई चल रही है, ₹500 ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी।